हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज 16 मई 2022 मार्केट के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिला, जहां पे मार्केट आज काफ़ी फ्लैट ओपन हुआ था, उसके बाद अचानक से ऊपर पहुंच गया, ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास पहुंच गया था एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास। उसके बाद देखिए लगातार गिरावट हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट पे पहुंच गया था, कुछ टाइम के लिए थोड़ा नेगेटिव भी था, उसके बाद देखिए एंड दिया आज करीबन 0.38% ऊपर जाके। अब ये हाईली वॉलीटाइल सिचुएशन पे दोस्तों कुछ कुछ शेयर आज काफ़ी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, कुछ कुछ शेयर के अंदर थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिला। अब बात करेंगे इस वीडियो पे एक ऐसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मल्टी बैगर शेयर, जिसका सैटरडे के दिन दोस्तों कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आउट हुआ था, और उसका इंपैक्ट आज हमें शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिला, लगभग 20% शेयर नीचे की तरफ हमें गिरावट के साथ। अब ये शेयर में दोस्तों इन्वेस्ट करने का बढ़िया मौका आ चुका है। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ शेयर के नेम, उसके बाद बाकी डिस्कशन करेंगे, उसके साथ साथ जो ब्रोकरेज कंपनीज हैं उन्होंने भी अपना अपना टारगेट बताया दिया है। तो देखिए कंपनी का नाम है एम्बर एंटरप्राइज, एसी वगैरह कंपनी बनाता है, एक लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। आज की डेट पे आप देख सकते हो सुबह से काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, उसके बाद कुछ समय बाद ही देखिए लगभग 10:30 बजे के आसपास से लगातार जब लोअर सर्किट लगा, पूरा का पूरा दिन इसके अंदर हमें 20% का लोअर सर्किट ही देखने को मिल गया। अब ये नहीं कि इसका कोई इंटरनल मैटर हुआ है, कुछ भी इंटरनल मैटर नहीं हुआ, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्वार्टर फोर की रिजल्ट की इम्पैक्ट हमें देखने को मिला शेयर के अंदर। अब देखिए क्वार्टर फोर रिजल्ट ये नहीं कि खराब आया, सब कुछ मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, सब कुछ आप देखना पॉइंट टू पॉइंट, उसके बाद ही दोस्तों आप प्लान बनाना इन्वेस्ट करने का। मेरे ख्याल से ये बेस्ट बाइंग का लेवल है। देखिए खुद मैं नहीं, यहाँ पे ब्रोकरेज कंपनी का भी सेम टू सेम कहना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए एम्बर एंटरप्राइजेस प्लंग 17%, मतलब जब ये न्यूज़ आया था पब्लिश किया था तब ये 17% यहाँ पे गिरा था, जो कि क्वार्टर फोर नंबर के बाद। तो हेयर वर्ड इस ब्रोकरेज से, तो बेसिकली यहाँ पे ब्रोकरेज कंपनीज का क्या कहना है, चलिए थोड़ा सा नीचे चल के हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला ब्रोकरेज कंपनी यहाँ पे निर्मल बैंक की तरफ से यहाँ पे बताया जा चुका है कि एक्यूमुलेट रेटिंग दिया है, और उसके साथ साथ जो टारगेट प्राइस दिया है आज की डेट पे जो लेवल आपने देखा 2700 के आसपास, उससे काफ़ी ऊपर जाके करीबन 3400 रुपये की लेवल, मतलब जब शेयर प्राइस चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली 3500 लेवल के आसपास, उसी लेवल के आसपास यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया, और उसके साथ साथ इन फ्यूचर जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रेटिंग दिया, मतलब CAGR का। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनदर डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनीज यानी ICICI सिक्योरिटीज, एक दिग्गज कंपनी है, यहाँ पे होल्डिंग का टारगेट दिया। होल्डिंग का टारगेट किसको दिया है, जो लोग अभी मतलब बाई करके रखा है पहले से, आज के डेट में लॉस में है, उनके लिए यहाँ पे बेसिकली होल्डिंग का टारगेट दिया, और टारगेट प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि 3376 रुपये। और आज की डेट पे हमने क्या देखा कि शेयर प्राइस कितने पे ट्रेड करें, 2700 के आसपास पहुंच चुका है, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टारगेट प्राइस दिया है ये सारे ब्रोकरेज कंपनीज के थ्रू। अब बात यह है कि ये गिरावट के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है, जो कि स्टार्टिंग में मैं आपको बोल रहा था कि कंपनी का कोई इंटरनल मैटर नहीं है, सिंपल जो रिजल्ट की आउटकम हमें आज के दिन में, मतलब जो रिजल्ट आउट हुआ था उसका ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का रिजल्ट बहुत खराब आया, आप खुद एक बार चेक कर लीजिए, और ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के अकेले नहीं, सारे के सारे दोस्तों कंपनी में आज इसी सेम प्रॉब्लम देखने को मिला। तो देखिए ये हो गया लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर का रिजल्ट, ये हो गया लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट, और ये हो गया करंट यानी क्वार्टर फोर का रिजल्ट। अब देखिए कंपनी का रेवेन्यू जो कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो डबल से भी ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हो डबल से भी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा आया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर, तो देखिए कंपनी अगर खराब होता तो डेफिनेटली रेवेन्यू के अंदर इतना जंप नहीं आता, ईयर ऑन ईयर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का जंप आया। मेन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बोल सकते हो कि जो प्रॉब्लम हुआ कंपनी का एक्सपेंसेस, तो देखिए कंपनी का जो एक्सपेंसेस था इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब आप सभी को जानते हैं कि आज की डेट में जो ग्लोबल मार्केट में जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाने के कारण देखिए एक्सपेंसेस जहाँ पे काफ़ी कम था वही देखिए आज की डेट पे एक्सपेंसेस बहुत हद तक बढ़ चुका है, जिस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया, देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो काफ़ी शानदार जंप आया, जो कि लास्ट क्वार्टर में आया था सिर्फ 32 करोड़ रुपये का, इस बार आया है 57 करोड़ रुपये का। बट लास्ट ईयर के साथ अगर हम बात करें तो आप देखिए मार्जिन का इशू थोड़ा सा देखने को मिल गया, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण। और ये सेम प्रॉब्लम दोस्तों सिर्फ ये अकेले कंपनी नहीं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि हमें झेलने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप देखिए इसका जो मार्जिन था नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो आप देख सकते हो आज के रेट पे 6% है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 8% था, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें मार्च 2021 पे 9% के आसपास था, यानी मार्जिन के अंदर हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिला। तो बेसिकली ये एक छोटा सा रीज़न है, जो कि ये पर्टिकुलर अकेले कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनी आज के दिन स्पेशली केमिकल सेक्टर या जो भी आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर काम करते हैं रॉ मटेरियल के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्राइस बढ़ जाने के कारण हमें लगातार हमें जो कि कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ता हुआ नजर आया। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, साथ साथ हम
यहाँ पे कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, तो पूरा वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना। बहुत शानदार कंपनी, इसलिए मैं आपको बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ कि इन्वेस्ट करने का एक बढ़िया मौका आपके सामने आ चुका है। तो देखिए आज की डेट पर अगर हम बात करें जो कि रूम एयर कंडीशनर, जो कि AC मतलब सिंपल बात है एयर कंडीशनर, मार्केट में दोस्तों ये कंपनी डोमिनेट करता है। नया कंपनी नहीं है, काफ़ी पुराना कंपनी है, वेल एक्सपीरियंस टीम है। साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखिए एंड इज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर द एयर कंडीशनर OEM एंड ODM इंडस्ट्री इन इंडिया। तो बेसिकली दोस्तों बहुत शानदार एक कंपनी है पर्टिकुलर इस सेक्टर में, जो कि बहुत ही गिने चुने कंपनी काम करता है। मार्केट कैप वाइज दोस्तों आज गिरावट के साथ साथ ये एक मिड कैप कंपनी हुआ करता था, आज की डेट में एक स्मॉल कैप कंपनी बन चुका है, बट हाँ उतना भी छोटा कंपनी नहीं है। बाकी अगर हम बात करें ROC ROE काफ़ी ठीक ठाक है, 10% 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है, जो कि कुछ महीने पहले दोस्तों ये अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा था 4000 के ऊपर। अब देखिए कैलकुलेट करके 4000 का शेयर आज के डेट में आपको 27 रुपये में मिल रहा है, इतना ज़्यादा भारी भरकम देखिए सिर्फ और सिर्फ दो हफ्ते के भीतर देखें शेयर के अंदर कितना भयंकर गिरावट आपको देखने को मिला था। बाकी अगर हम बात करें जो पैरामीटर्स है सेल्स का एंड यहाँ पे प्रॉफिट का, वो देखें लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया सेल्स ग्रोथ है, 5 साल की, 3 साल की या इस साल की। इवन देखिए रॉ मटेरियल प्राइस इस तरह बढ़ जाने के बावजूद भी देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर कोई भी गिरावट हमें देखने को नहीं मिला, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है ये कंपनी का, देखिए ये ज़्यादा पुराना लिस्टेड कंपनी नहीं है, लास्ट एक महीने तो आपको गिरावट देखने को मिलेगा। इवन एक साल पे देखिए ये कंपनी पॉजिटिव में चल रहा था, यहाँ पे देखिए जब आज की रेट में अगर गिरावट को यहाँ पे अगर हम इग्नोर कर दें तो आप देख सकते हो करीबन 41% की यहाँ पे रिटर्न दे रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट एक महीने बोलना भी गलत होगा, एक महीने भी नहीं लास्ट 2 हफ्ते के भीतर देखिए ये शेयर करीबन 31% के आसपास क्रैश हो चुका है। और अगर हम बात करें 5 साल का तो देखिए इतना गिर चुका है उसके बावजूद भी 120% का रिटर्न दिया है, तो एक्चुअली उतना पुराना लिस्टेड भी नहीं है। 2018 में मार्केट को लिस्ट हुआ था, थोड़ा फ्लैट चल रहा था, उसके बाद 20 में थोड़ा बहुत गिरावट, उसके बाद देखिए शेयर को यहाँ पे पकड़ना मुश्किल हो गया, कहाँ से कहाँ निकल गया। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका जो कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, बट स्टार्ट करेंगे वीडियो को उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो दोस्तों ये सामने ओपन है आपका जो कि 6 महीने का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, आज की दिन पे गिरावट के साथ साथ इसका RSI इंडेक्स आप देख सकते हो, जो कि मई की फर्स्ट वीक पे ये ऑलमोस्ट हाई लेवल पे चल रहा था, स्ट्रॉन्ग जोन पे, वही देखिए आज की डेट पे ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच चुका है 27 के आसपास। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, देखिए कुछ टाइम पहले जैसे कि हम सभी ने जानते हैं इंडिया के अंदर गर्मी इतना ज़्यादा पड़ता है, मतलब अगर हम बात करें 12 महीने के अंदर 7 से 8 महीने तो आराम से यहाँ पे गर्मी का मौसम ही रहता है। तो इंडिया के लिए दोस्तों AC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट पर अगर हम बात करें मार्केट के अंदर डोमिनेट कर रहा है एम्बर एंटरप्राइज, तो जिस वजह से हमने देखा जहाँ पे दूसरी कंपनी अप्रैल मई पे इतना ज़्यादा गिर चुका था, उसके बावजूद देखिए मई की फर्स्ट वीक पे ये शेयर अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मई के फर्स्ट महीने पे यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद ही जैसे ही मार्केट के अंदर गिरावट हुआ शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिला, ये रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ जाने के कारण, जो कि उसके साथ साथ क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी आ गया। मेरे ख्याल से दोस्तों ये बेस्ट बाइंग का लेवल है, क्योंकि अगर हम बात करें 1 साल पुराना लेवल आपको मिल रहा है, देखिए लास्ट ईयर जब ये शेयर नीचे आया था थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा था, तब देखिए यहाँ पे अगस्त के टाइम पे, उसके पहले अगर हम बात करें देखिए मई जून के टाइम पे ये शेयर इसी लेवल पे चल रहा था, मतलब पहले का अगर आपने लेवल मिस कर दिया तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एम्बर एंटरप्राइजेस जैसे क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट करने का। बाकी दोस्तों खुद प्रॉपर एनालाइज करना, स्टडी करना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने का फैसला लेना। तो वीडियो कहीं पर वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लेटेक के बाय, जय हिंद।